नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा के एतमादौला में हुई संदिग्ध चांदी लूट का कारीगर ही मास्टरमाइंड निकला है। कर्ज को बचाने के लिए उसने फर्जी लूट की कहानी बनाई। 5 घंटे तक पुलिस को चक्कर घनी देता रहा। सीसीटीवी में कोई भी संदिग्ध अपाचे बाइक सवार नहीं मिला, जिसका जिक्र लगातार ये कर रहा था। चांदी कारीगर ने खुद घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मात्र 7 घंटे में चांदी कारीगर की निशानदेही पर 33 किलो चांदी को भी बरामद किया है। आगरा के प्रमुख कर्मानगर इलाके में घर में आग लग गई। आग में भूतल और प्रथम तल पर रखे सभी सामान को अपनी चपेट में ले लिया। अग्निकांड में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि यहां किसी की जनहानि नहीं हुई है। यमुना नदी में नहाते समय स्कूल संचालक 25 वर्षीय युवक अचानक नदी में डूबकर उसकी मौत हो गई। दशहरा पर्व के मौके पर यमुना नदी में स्नान करने गया था युवक। गहरे पानी में नहाते समय हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाला, जिसके बाद इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। ये पूरा मामला थाना चित्रहाट क्षेत्र के अंतर्गत यमुना नदी के गांव पई घाट का है। ताजनगरी में योगी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था को अनिश्चित लगातार पलीता लगा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा और स्वीपर महिलाओं ने गर्भवती की डिलीवरी कराई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती ने एम्बुलेंस में ही बेटी को जन्म दिया और स्टाफ को नर्स को लगातार आवाज लगाते रहे, लेकिन ना तो स्टाफ पहुंचा ना ही नर्स यहाँ पर पहुंची। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। ताजमहल परिसर में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ताजमहल के सेंट्रल ट्रैंक पर युवती ने डांस किया है। युवती का डांस करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। मौके पर पहुंचे सीआईएसएफ ने युवती से पूछताछ की। युवती ने लिखित में माफी मांगी है। मामले को रफा दफा किया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ताजमहल परिसर में किसी भी कमर्शियल प्रमोशनल एक्टिविटी पूरी तरह से अवैध है। ताजनगरी आगरा में शराबियों ने थाने के सामने एक घंटे तक तेज म्यूजिक बजाते हुए जमकर डांस किया और नोट लुटाए। इस दौरान पुलिस को भनक तक नहीं लगी। वहां से गुजरते हुए लोगों ने थाना प्रभारी को फोन कर सूचना दी। इसके बाद जब तक पुलिस आई तब तक शराबी वहां से जा चुके थे। पुलिस ने म्यूजिक बजाने वाले ऑटो चालक का ऑटो सीज कर दिया है। लोगों द्वारा शिकायत पर पुलिस ने म्यूजिक बजाने वाले ऑटो चालक को गिरफ्तार भी कर लिया है। अमेठी में बीती देर रात बारात लौट रही थी, तभी तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में बोलेरो सवार एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने फोन कर एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे है। घायल बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार ने अमरोहा के विधायक पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली के घर के बाहर 3 दिन में उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने का नोटिस चस्पा कर दिया है। अधिशासी अधिकारी ब्रजेश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशों का पालन करते हुए अमरोहा के विधायक के घर नोटिस किया गया है और 3 दिन का निर्धारित समय दिया गया। अगर वह ऐसा नहीं करते तो फिर जबरन नगर पालिका इसे हटाएगी। गंगा दशहरा के पर्व पर भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अलकनंदा नदी के घाटों पर उमड़ती नजर आई। अलग अलग घाटों पर श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाकर स्नान किया। स्नान के उपरांत सभी देवी देवताओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया। गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर्व स्नान पर चमोली जिले के संगम में हजारों की संख्या में यात्री पहुंचे हैं। चमोली पुलिस और जिला प्रशासन ने जगह जगह अपनी तैयारियां पूरी कर ली थी। कल गंगा दशहरा और आज निर्जला एकादशी को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। फरुखाबाद में गंगा दशहरा पर पुलिस अधीक्षक के रूट डायवर्जन के आदेशों का माहौल उड़ा है। गंगा दशहरा पर इटावा बरेली हाईवे पर पांचाल घाट पर सुबह से ही भीषण जाम की स्थिति देखने के लिए मिली। एसपी के जनपद की सीमा पर ट्रक टैंकर और मालवाहक आदि बड़े वाहनों को रोकने के आदेशों का पुलिसकर्मी कोई भी पालन नहीं करवा पाए। एसपी के रूट डायवर्जन के आदेश के बावजूद पांचाल घाट गंगा पुल पर ट्रक टैंकर डबल डेकर बसें और मालवाहक वाहन पहुंचते हुए नजर आए, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को भारी जाम की स्थिति से जूझना पड़ा।
गदरपुर तहसील क्षेत्र में चाहे दिनेशपुर थाना और चाहे गदरपुर थाना, दोनों थाना क्षेत्र में मिट्टी माफियाओं के द्वारा नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। मिट्टी माफियाओं के द्वारा उपजाऊ जमीन को मिट्टी काटकर अन्य स्थानों में बेचा जा रहा है, साथ ही उपजाऊ जमीन को बंजर बनाया जा रहा है। किसी को रात में चलाने की परमिशन है। गलपार जो एनएचआई का वर्क चल रहा हमारा बाईपास का, उसी में 24/7 की अनुमति है। अन्य को किसी प्रकार की अनुमति नहीं है। उसमें पुलिस को प्रशासनिक जो हमारे तहसीलदार वगैरह उनको कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी तरफ से पूरा वो है कि कोई भी इस तरह का इलीगल करता हुआ पाया जाए तो उसको गाड़ियों को सीज करें और उस पर कार्रवाई करें। कन्नौज में सेवा संकल्प दिवस के रूप में व्यापारी नेता संदीप बंसल का जन्मदिन मना। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंसल हैं। जिले के व्यापारी नेताओं ने गरीब मरीजों को फल वितरित कर जन्मदिन मनाया। जिला अस्पताल में फल सहित दवाइयों और ब्रेड मक्खन वितरित किए गए। व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अनिल गुप्ता की अगुवाई में वितरित हुआ खाद्य पदार्थ। जिलाध्यक्ष बोले कि व्यापारी हितों के लिए हमेशा आगे रहेंगे और लगातार यूं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यरत रहेंगे। लखनऊ कोर्ट द्वारा अवैध मार्केट को गिराने के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। नखास मार्केट में बनी अवैध मार्केट गिराने का कोर्ट ने आदेश दिया था। 2016 में भी एलडीए द्वारा आदेश दिया गया था अवैध निर्माण को गिराने का। इमामबाड़ा इकराम उल्हा खां के बाहर पार्क की जमीन पर अवैध मार्केट बनी हुई है, लेकिन अब तक इसे गिराया नहीं गया है, ना ही यहाँ से हटाया गया है। पौड़ी जिले के जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने बुधवार देर शाम जल शक्ति कैच द रेन जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत श्रीनगर स्थित जल संस्थान के कार्यालय में बनाए गए जल शक्ति केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने जल शक्ति कैच द रेन जल संरक्षण अभियान से संबंधित कार्यों का अवलोकन भी किया है, साथ ही साथ फोटोग्राफ्स और किए गए अन्य कार्यों को संबंधित पोर्टल में अपलोड करने की जानकारी भी ली है। पीलीभीत में अपहृत किशोरी का सुराग लगा पाने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। 26 मार्च 2022 को 14 वर्षीय किशोरी का अपहरण हुआ था। 26 मार्च को कई धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। 2 महीने बीते जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लग पाया है। पीड़ित मां लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। 3 बार एसपी से न्यायिक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना न्यूरी इलाके के गुलडिया भिंडरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पीलीभीत का एक पूरा मामला है जहां पर 14 वर्षीय किशोरी बताई जा रही है जो 2 महीने से लापता है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। पीड़ित मां लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। एसपी से भी मुलाकात कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई आश्वासन मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो पीलीभीत का एक पूरा मामला है। बताया जा रहा है कि 2 महीने बीत चुके हैं, किशोरी का कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें पैर में गोली लगने से 2 तस्कर घायल हो गए। 1 तस्कर को भागते हुए पुलिस ने दबोच लिया, वहीं 1 सिपाही भी गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ मंगलवार देर रात बिहारीगढ़ के जंगल में हुई। रात को थाना पुलिस और स्वात टीम को सूचना मिली थी कि जंगल में गौकशी की तैयारियां चल रही है। सूचना मिलते ही स्वात टीम प्रभारी संजीव यादव एसओ बिहारीगढ़ मनोज ने अपनी टीम के साथ घेराबंदी कर ली। गंगा दशहरा पर गंगा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। भीषण गर्मी पर आस्था भारी रही, हजारों लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान देने के बाद नुपुर शर्मा चारों तरफ से घिरती नजर आ रही हैं। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने वाली नुपुर शर्मा को फांसी या उम्रकैद की मांग को लेकर एमयू में प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की तादाद में छात्रों ने एमयू के अंदर एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए बाबे सैयद गेट तक गए। 13 मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा अल्लाह नुपुर शर्मा को फांसी, ऐसे नारे लगातार छात्र लगाते हुए नजर आए हैं। छात्रों की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एमयू के मुख्य गेट को बंद करना पड़ा, फिर भी छात्र काफी उत्तेजित दिखाई दिए। इस दौरान भारी मात्रा में पुलिस फोर्स यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी हुई नजर आई।
ये विषय साफ तौर पर नजर आ रहा है जो पिछले दिनों कानपुर के अंदर जो बीजेपी की स्पोक पर्सन नूरपुर शर्मा ने स्टेटमेंट दिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वैसे ही उसके बाद स्टेटमेंट देने के बाद जगह जगह एहतजाज हुए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को लेकर। उनके चाहने वालों ने सड़कों पर उतर कर प्रोटेस्ट किए कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से, कानूनी तरीके से, लेकिन उस प्रोटेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया कुछ अंजित तत्वों ने और उसके ऊपर पथराव वथराव जिस तरह से आपने देखा कानपुर के अंदर पूरा माहौल बिगाड़ के रख दिया। और फिर देखा गया उस माहौल के बिगड़ने के बाद एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई हुई, दूसरे पक्ष के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग ये चाहते हैं कि मुस्लिम पक्ष के लोगों को जो अरेस्ट किया गया है, जो गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर लीगल इलीगल देख कर और उनको अगर लगता है कि बेगुनाह है तो उन्हें छोड़ा जाए। देखिए, हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा की सिर्फ एक ही डिमांड है कि नूपुर शर्मा को फांसी हो। ये सबसे शॉर्ट में डिमांड है हमारी। अगर गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं मानती है तो उसको उम्र कैद की सज़ा दे। ये हमारे दूसरा पॉइंट है, ठीक है। नूपुर शर्मा की वजह से पूरे हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हुआ है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्तागी करी है। हमारी जान, हमारी माल, सब कुछ उनके लिए कुर्बान, क्योंकि हम उनके सदके तुफैल में ज़िंदगी को जी रहे हैं, तो हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर नूपुर शर्मा को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम एक बहुत बड़े लेवल पे एहतजाज करने जा रहे हैं और धरना लगाने जा रहे हैं, और हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के तलबा स्टूडेंट भूख हड़ताल पर ही बैठे जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अलीगढ़ के ग्लास के गांव साथनी में जहां पर घेर में किसान के पशु बंधे हुए थे और घेर के ऊपर विद्युत विभाग की लाइन भी जा रही है, विद्युत विभाग की लाइन से निकली चिंगारी ने किसान के सपनों को चकनाचूर कर दिया। चिंगारी की वजह से किसानों को हजारों का नुकसान हो गया है और एक पशु की मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर के द्वारा एक पशु को उपचार के दौरान बचा लिया गया, लेकिन अब तक किसानों का हजारों का नुकसान हो चुका है। ये हमें अभी प्रधान जी द्वारा खबर मिली कि यहाँ आग लग गई है और दो पशु जल गए, एक की मौत हो गई है, पड़ी आग, एक गाय घायल है पूरी तरह से। अच्छा, इसका इलाज कर दिया गया हमारे द्वारा मौके पर आके, और फायर ब्रिगेड भी आई थी लेकिन जब तक आग पर काबू पा लिया गया। थाने से भी कोई आया था क्या? थाने से पुलिस वाले चौकी से आए थे बीच में। अच्छा, हम सब काम से आए थे। हाँ, काम पर जाते हुए सो हमने यहाँ बैठे थे सो हम यहाँ से कीक मारे थे, आँच भर रही थी, कीक मार से हम भागे, पूरा मोहल्ला आ गया, पूरा मोहल्ले ने पानी मार किया है, लाइट गई और का नाम हम घुसे उसमें और हमने पानी मार किया है और एक बड़ी गैया को बाल निकाल लिया है और बढ़िया जल गई उसमें। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने जिला पंचायत सदस्य सुनील निषाद पर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि सुनील निषाद जिला पंचायत सदस्य ने युवती को जबरिया घर से उठा लिया और नशीला पदार्थ खिलाकर गांव के निवासी संगम कन्नौजे के घर के निकट अचेत हालत में छोड़कर फरार हो गया। इस संबंध में पीड़िता युवती ने आरोप लगाया कि जिला पंचायत सदस्य सुनील निषाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज कराकर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जिला पंचायत सदस्य सुनील निषाद फरार हैं और पुलिस जांच कर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात कह रही है। जुड़वा पुलिस चौकी से 500 मीटर की दूरी पर ग्राम परसा जंगल से एक युवक जो अपने आप को दारोगा बताता था, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 महीने से युवक फर्जी दारोगा की वर्दी पहनकर अपने गांव में आता जाता था और लोगों को अपनी वर्दी का रौब दिखाता था। बताया जा रहा है कि आरोपी किसी व्यक्ति को 3 माह पहले 90,000 देकर दारोगा बना था। गांव के युवक की दबंगई सामने आई है जिसके बाद एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। गांव में फकीर से भिक्षा मांगने के दौरान विवाद हो गया। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि 3 फकीर से युवक ने अभद्रता की है। गोंडा का ये पूरा मामला है और ये काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। इस पर विवाद भी लगातार हो रहा है, इनसे उठक बैठक भी करवाई है। 3 फकीर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसके बाद एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। खरगुपुर थाना क्षेत्र डिगूपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 3 व्यक्ति जो फकीर की वेशभूषा में हैं और इनके साथ एक व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जब संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये 3 व्यक्ति
खरगूपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खरगूपुर डिंगुर में ये गए थे। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा इनके बारे में पूछताछ की गई, इनके नाम पता जानने की कोशिश की गई, तो इस पर इनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस पर एक व्यक्ति द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस सूचना पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और इस तथ्य की भी जांच की जा रही है कि ये तीन व्यक्ति कौन लोग थे और किस कारण से उस गांव सभा में गए थे। महिला एवं बाल कल्याण विभाग की संयुक्त टीम ने विभिन्न प्रतिष्ठानों के छापे मार कर बच्चों को कब्जे में लिया है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे बाल संरक्षण गृह में रहेंगे। मौके से 4 बच्चे बाल संरक्षण गृह को सुपुर्द किए गए हैं। महीने भर बाल कामगारों और महिला सुरक्षा के तहत यह अभियान चलाया जाएगा। संभल जिले में अवैध अस्पतालों के संचालन करने वाले चिकित्सकों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले अवैध अस्पतालों के खिलाफ डीएम ने सख्त रवैया अपना लिया है। जिले में अवैध अस्पतालों के खिलाफ डीएम के सख्त रुख के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 1 महीने में 50 अवैध अस्पताल संचालकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने की कार्रवाई की। वही डीएम के सख्त रुख से अवैध झोला छाप डॉक्टर्स में हड़कंप मचा हुआ है। थाना सिकंदराबाद पुलिस और स्वात टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 15,000 के इनामी सहित 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 15,000 के इनामी बदमाश विराट सिंह घायल हो गया है। टैंकर के अंदर से पुलिस ने करीब 1800 किलो गांजा बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पकड़े गए बदमाशों ने बताया कि ट्रक में गांजा ले जाते समय अक्सर पुलिस दबोच लेती थी, इसलिए उन्होंने पुष्पा फिल्म देखकर टैंकर के अंदर चैम्बर में गांजा तस्करी करने का प्लान बनाया, लेकिन पुलिस की सजगता से सप्लाई होने से पहले करोड़ों का गांजा पकड़ लिया गया। देखिए, कल थाना अतमौदाला क्षेत्र में दोपहर के बाद एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि वो 32 किलो चांदी लेके आ रहा था मोटरसाइकिल पे और उसकी चांदी कुछ मोटरसाइकिल सवारों द्वारा लूट ली गई थी और उसने ये भी बताया था कि उसकी आंखों में मिर्ची डाल के ये चांदी लूटी गई थी। इस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और SPCT साहब ने CO छत्ता ने इसका मौका मुआयना किया और इंस्पेक्टर उसमें CCTV देखने में लगे, उसकी डॉक्टरी भी कराई गई और डॉक्टरी में कहीं भी मिर्ची आंखों में होने का कोई एविडेंस नहीं मिला, कपड़ों पर मिर्ची होने का एविडेंस नहीं मिला, तब ये लगा कि ये कुछ मामला गड़बड़ है। इससे पूछताछ की गई, पूछताछ में इसके द्वारा इस चीज़ का खुलासा किया गया। पूरी चांदी 32 किलो चांदी एक जगह रखी हुई इसके द्वारा बरामद कराई गई वादी द्वारा और इसके द्वारा ये बताया गया कि उस पर बहुत सारे लोगों की देनदारी थी। और अब खबर अमेठी से, जहां रात के अंधेरे में मजदूरों की मजदूरी पर डाका डाल रही है। अमृत सरोवर तालाब में JCB मशीन से काम हो रहा है। मनरेगा के तहत मजदूरों को कोई काम नहीं मिल रहा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बाजार शुक्ल ब्लॉक के ग्राम सभा माजा गांव का ये सारा मामला बताया जा रहा है। तो कोटा चयन के लिए आयोजित खुली बैठक में बवाल हो गया। प्रधान समर्थक समर्थकों पर हंगामा और अभद्रता करने का आरोप लगा रहे हैं। हंगामे के दौरान मुख्य दर्शक बनकर सरकारी कर्मचारी बैठे रहे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को खदेड़ा है। हंगामे और बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि गांव के एक व्यक्ति ने दबंगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपियों को ढूंढ रही है। जेवर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत किसानों के मुद्दे को लेकर जेवर में महापंचायत में शामिल होने पहुंचे थे। एक बार फिर किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करते हुए नजर आए।
बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के आदेशों की धज्जी उड़ाने की ठान ली है। बता दें कि कस्बा तीतरों में पुलिस प्रशासन वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच एक बाइक पर तीन युवा गुजर रहे थे तो पुलिस ने उनको रोका, उनका चालान काट दिया। चालान काटे जाने से नाराज युवकों ने फोन कर भाजपा नेता सहित अपने अन्य साथियों को भी बुला लिया। मौके पर पहुंचे भाजपा नेता खुद को पूर्व मंत्री सुरेश राणा का करीबी बताते हुए पुलिस के साथ उलझ पड़ा और पुलिस के ऊपर अपना रौब झाड़ने लगा। भाजपा नेता की इस नोकझोंक का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। साजापुर में प्रेम प्रसंग के चलते पति ने अपनी ही पत्नी और उसके प्रेमी को मौत के घाट उतार दिया। पत्नी की प्रेमी को खेत पर घेर कर हत्या की है। बचाने आई प्रेमिका यानी कि पत्नी की भी पीट पीट कर हत्या कर दी। डबल मर्डर की सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। थाना पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जलालाबाद के अंतर्गत ग्राम डहर में एक घटना हुई है जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई। एक मृतका जिसका नाम ममता है, ममता कुशवाहा, और मृतक का नाम रमनपाल राजेश यादव। जो मृतका है उसके पति का नाम ओमपाल है, ओमपाल कुशवाहा, और इसके तीन बेटे हैं। बैकग्राउंड में यह है कि जो मृतका है वो रमनपाल और राजेश के साथ इसके संबंध थे और दो साल से उसी के साथ रह रहे थे उसी गांव के आउटस्कर्ट्स में। और इसी में इनके बेटों को ये बात बार-बार गुजरती थी लेकिन इसकी शिकायत कहीं उन्होंने नहीं की क्योंकि ये दोनों ही जब पानीपत में थे। मेरे भाई हैं हाँ, और ये भाभी जो दूसरे की औरत है ना गांव के ही, तो ये 10 साल से इनके साथ रहने लगी। हाँ। इसी बात से बोलो रंजिश मानने लगे। लॉकडाउन में जो लोग घर पर यहाँ पर रहने आए पैसे पानीपत रहते थे, आज इन्हें मौका मिल गया। हमने मना भी किया था तुम बाहर रहो यहाँ बताओ, आज मौका उन लोगों को मिल गया। अकेला इन्हें देख के खेत पर जे गए और उन लोगों ने घेर के ने मारा। किन लोगों ने मारा है? ओमपाल के लड़कों ने, उनके सहयोगी ने। काय से मारा है? लाठी डंडे कुल्हाड़ी जो कुछ हाथ में था उनके। गंगोत्री धाम में गंगा दशहरा गंगा अवतरण दिवस के पावन अवसर पर राजा भगीरथ महाराज की डोली निकाली गई। स्थानीय देवी देवताओं और हजारों तीर्थयात्रियों के साथ तीर्थ पुरोहित और मंदिर समिति गंगोत्री गंगा पुरोहित सभा ने गंगा मैया की पूजा अर्चना कर गंगा लहरी पाठ, गंगा सहस्रनाम पाठ, श्री सूत आदि के साथ गंगा मैया की पूजा अर्चना धूमधाम से की। साथ ही सभी देशवासियों की खुशहाली की कामना भी की गई। ताज नगरी आगरा में 40 किलोमीटर दूर खैरागढ़ के जगनेर ब्लॉक का एक गांव भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से वर्षों से जूझ रहा है। आपको बता दें कि जगनेर ब्लॉक का बरगवा खुर्द ग्राम पंचायत के ग्रामीण पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। गांव में कोई सरकारी हैंडपंप, पानी की टंकी नहीं है, ना ही कोई पाइपलाइन है। वहीं पहाड़ी देहात क्षेत्र होने की वजह से गांव के जमीन के अंदर पानी का जल स्रोत नीचा होने की वजह से पानी की समस्या गांव के ग्रामीणों के लिए सालों से बनी हुई है लेकिन कोई सुनवाई यहां नहीं होती। व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए बहुत ज्यादा परेशान है जी। पानी यहां से लेके जाते हैं कुएं से 2 किलोमीटर दूर से। क्या गांव के अंदर एक ही कुआ है? यही कुआ है, यहीं से पानी लेके जाते हैं सारे गांव के। अच्छा। लेडीज बच्चे। तो गांव में सरकार ने पानी की टंकी नहीं लगवाई? कोई टंकी नहीं है, टंकी जो लगती है उनकी जगह में लग जाती है, वो भरने नहीं देती किसी को। अच्छा। गांव के अंदर कितने लोग पानी के संकट से परेशान है? पूरा गांव परेशान है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? पानी की व्यवस्था चाहते हैं कि लाइन डर के जाए पानी की जी। पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस टीम की मदद से मुंशीगंज थाना क्षेत्र में हुई 5 चोरियों को खुलासा कर 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से चोरी के 3 अदद तल्लू और सब बर्शियल, फ्रिज, इन्वर्टर तमाम चीजें बरामद की हैं। अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के जगदीशपुर की छात्रा नीतू मौर्य के साथ इसरो विजिट करने के लिए रवाना हुई। आपको बता दें कि पिछले महीने जब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का गौरीगंज में छात्राओं को टैबलेट वितरण कार्यक्रम था तो उस कार्यक्रम में जगदीशपुर की नीतू मौर्य को भी टैबलेट मिला।
इस दौरान मंत्री सभी से पूछ रही थी कि आगे क्या करोगे, तो नीतू मौर्य ने मंत्री से कहा कि वो इसरो का विजिट करना चाहती हैं। केंद्रीय मंत्री ने नीतू की इस इच्छा को पूरा करने का आश्वासन दिया था। वहीं कल एक महीने बाद स्मृति ईरानी ने अपने वादे को पूरा करते हुए नीतू मौर्य को इसरो जाने की इच्छा पूरी करते हुए रवाना किया। आज हम इसरो जाएंगे। किसके माध्यम से इसरो जा रही हैं आप? सर सांसद दीदी जिसके माध्यम से आज इसरो जाएंगे। अच्छा, आपने पहली बार सांसद जी से जब मिली थी तो कब मिली थी और कहाँ मिली थी, कैसे इच्छाएं प्रकट की थी आपने? सर इसके एक जस्ट एक महीने पहले सर वहाँ गौरीगंज में टैबलेट वितरण करने आई थी, तो वहीं मिले थे और उन्हें सबसे पूछ रहे थे आपको क्या करना है, तो मैंने भी अपनी इच्छा जताई थी कि मुझे इसरो के लिए सेवा करनी है, तो सर वहीं से बोले थे वादा करते हैं आपको 10 जून को लेकर जाएंगे, आज 9 है सर, आज हमको एक दिन पहले ही वहाँ विजिट करवाएंगे। अच्छा, आप एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि मैं सांसद जी से मुलाकात कर पाऊंगी? नहीं सर, कभी नहीं सोचा था कि साथ साथ मिलेंगे, और सर देखे तो थे, देखते थे टीवी पे, देखते थे न्यूज़ में भी देखते थे, लेकिन ये नहीं सोचे थे कि साथ साथ मिलेंगे और बातें भी करेंगे। तो आज आपको कैसा लग रहा है? सर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है सर, अपने शब्दों में उसका वर्णन नहीं कर सकता मुझे आज इतनी खुशी मिली है। तो आज आप इसरो जा रही हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? सर इसका श्रेय हम सर्वप्रथम सांसद जी को देना चाहेंगे जिन्होंने मेरी इच्छाओं को सुना और आज मुझे वहाँ लेकर जाएंगे, और हमारे टीचर्स को देना चाहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।